press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी को, जो कि लैंड माफिया यानी वक्फ बोर्ड के राज खोलेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये अल्लाह की राह में और भीख मांगते मांगते इन्होंने 9.4 लाख एकड़ जमीन इन्होंने जमा कर ली। अब मैं आपको कुछ डेटास बताना चाहती हूँ जिससे असदुद्दीन अवैसी और वक्फ बोर्ड के जो चुन्नू मुन्नू है उनका राज खुलेगा। द थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर वक्फ बोर्ड, इन्होंने फोर्सिबली भारत के जनता का जमीन कितना हड़प किया है, 17.99 लाख एकड़ जमीन इन्होंने भारत की जनता का हड़प किया है जो डिस्प्यूटेड है। और इस 17.99 लाख एकड़ पर अभी भी किसी ना किसी न्यायपालिका में केस चल रहा है। अब बात यहां पर भी आती है मुजफ्फर भाई कि अगर कोई व्यक्ति अल्लाह की राह में डोनेट कर रहा है तो ये 80% प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट और केसेस क्यों चल रहे हैं, जिसकी जमीन है वो केस क्यों लड़ रहा है। अब इसके बाद फिर फोर्सिबली रेलवे की कितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने ली है, फोर्सिबली ग्रैब करके हड़प करके स्नैच करके 12.09 लाख एकड़ रेलवे की जमीन को इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस से बहला फुसला करके कितनी जमीनें ली थी, 8 लाख एकड़। ठीक है, ये मैंने आपको डेटा दिया है। अब आती है बात कि 80% वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है वो अंडर ट्रायल है, वो किसी ना किसी न्यायपालिका में उसका मामला चल रहा है। और वक्फ बोर्ड का अगर वक्फ एक्ट पढ़ेंगे आप, ये मैं किताब लेकर के बैठी हूँ, द वक्फ एक्ट 1995, इसको अगर आप पढ़ेंगे जिसमें जो संशोधन हुआ था 2013 में उसकी भी बात इसमें लिखी हुई। तो वक्फ बोर्ड, अब जैसे मेरी जमीन को आकर के वक्फ बोर्ड ने हड़प कर लिया तो मैं किसी न्यायपालिका में नहीं जा सकती। अच्छा जी, उसकी बर्बाद नहीं उठा सकते आप ना, कोई केस कर सकते। अच्छा, मैं किसी न्यायपालिका में, जो वक्फ बोर्ड एक्ट बोल रहा है कि किसी न्यायपालिका में नहीं जाया जा सकता है। ट्रिब्यूनल उनका होगा, कोर्ट उनका होगा, एडवोकेट उनके होंगे, जज उनका होगा और जजमेंट भी उन्हीं का होगा, फैसला भी उनकी मर्जी का होगा। अब मैंने तो आपको लाइन से बता दिया, ट्रिब्यूनल उनका, कोर्ट उनका, एडवोकेट उनका, जज उनका और जजमेंट भी उन्हीं का। ठीक है, अब आती है बात कि मोस्ट प्रोबेबली जो अभी जैसे ही वक्फ बोर्ड की बात आई है तब से अवैसी साहब कह रहे हैं कि अरे वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सोशल अवेयरनेस का काम चलता है। मतलब 9.4 लाख एकड़ जमीन पर सोशल अवेयरनेस का काम चलता है। ठीक, तो क्या सोशल अवेयरनेस का काम करता है उसकी कुछ चंद मिसालें मैं आपको देना चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में 574,291 इन्होंने कैप्चर करके इनक्रोच करके रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें एकड़ जमीन इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, जिसमें 1869 दरगाह है, 8521 कब्रिस्तान है और 3052 मॉस्क है, और बाकी जो रेस्ट बच रहा है उस पे केसेस चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, पश्चिम बंगाल के राज खोलना चाहती हूँ। ये सोशल अवेयरनेस में मुझे लगता है क्योंकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है तो जरूर पढ़ाई के लिए भी सोशल अवेयरनेस का कुछ ना कुछ काम तो हुआ होगा। तो चलिए उसके आगे खोलते हैं हम। मैं पूरा यहाँ पर ओरिजिनल गवर्नमेंट का डेटा लेकर के बैठी हूँ। बांकुड़ा 1089 प्रॉपर्टीज
इन्होंने कैप्चर किया हुआ है वक्फ बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में। अब बांकुड़ा में 5 दरगाह है, 5 मजार है, 6 ग्रेवयार्ड है, 17 मस्जिदें हैं और 4 स्कूल है। ठीक है, अब चले आते हैं बर्दवान। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 83 मजार है, 124 कब्रिस्तान है, 270 मस्जिदें हैं और 2 स्कूल। अब चले आते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में, 4 मजारे मुबारक है, लिखा हुआ है यहां पर दरगाह और मजारे मुबारक, कब्रिस्तान 39 है, मस्जिदें 12 है, स्कूल 1 है। अब चले आते हैं पश्चिम बंगाल के, जिस पश्चिम बंगाल में मैं बैठी हुई, दक्षिण दिनाजपुर में दरगाह और मजारे मुबारक जो है वो 53 है, मस्जिदें जो है वो 18 है, स्कूल 3 है। तो ऐसे ऐसे हर एक स्टेट का मैंने निकाल करके रखा हुआ है। अब आती है बात, ये वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है ये सिर्फ भारत के योद्धाओं की, भारत के सनातनियों की, भारत के ईसाइयों की, भारत के यहूदियों की, भारत के क्रिश्चियंस की, भारत के शियाओं की या भारत के अदर रिलीजन्स की वो जमीन हड़प कर रहा है, वो भारत के मुसलमानों की भी जमीन हड़प कर रहा है। और इंटेंशनली जो संपत्ति मुसलमान बेटियां बना रही हैं उन संपत्तियों को वो हड़प करता है। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अनीस आयशा जिसने एक बहुत लंबी जंग लड़ी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में और 2022 में उसको जजमेंट मिला, जिसमें अनीस आयशा, ए हसन और निजात यास्मीन, ये तीन लोगों ने वक्फ बोर्ड तमिलनाडु के ऊपर केस किया और कहा जज को कि उनके कोर्ट हम नहीं जाएंगे, वक्फ बोर्ड के कोर्ट हम नहीं जाएंगे, मुझे न्याय यहां से चाहिए, हम भारत में रहते हैं और संविधान से मुझे न्याय चाहिए, इसकी हिम्मत कैसी हुई कि ये मेरी जमीन को अपना जमीन बता रहा। ठीक है, उसके बाद फिर अनीस फातिमा बेगम 2003 से लेकर 2010 तक उस महिला ने, मुसलमान महिला ने केस लड़ा और जजमेंट उनके हाथ में आया और उस लड़की ने, उस महिला ने खड़े होकर के कलकत्ता हाई कोर्ट को के न्यायपालिका के बेंच पर कहा संपत्ति मेरी, इसमें वक्फ बोर्ड का हिस्सा आया कहां से। उसके बाद सलमान खान, वो एक्टर ने बेचारा अत्याचारित है वक्फ बोर्ड से, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के 23 जनवरी 2023 में इनको जजमेंट मिला, इन्होंने तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड पर केस किया सलमान खान साहब ने और कहा कि वक्फ बोर्ड लैंड माफिया है और कुछ भी नहीं। उसके बाद में शहनाज परवीन, इन्होंने मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के ऊपर केस किया और मध्य प्रदेश की सरकार को और मध्य प्रदेश के कोर्ट को बताया कि ये तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे, उनकी भी संपत्ति हड़प कर लेते हैं, करना क्या चाहते हैं। अब आती है बात, सबके केसेस में मिले करके बैठी हुई हूँ, आपको आज थोड़ा मुझे वक्त देना पड़ेगा कि मैं प्रूफ के आधार पर करती हूँ। वक्फ बोर्ड के पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, यूं तो कहते हैं कि हम 20 करोड़ की आबादी है भारत में, लेकिन यहाँ पर शिया वक्फ बोर्ड अलग है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। मतलब जब हड़प करने की बात आएगी, जब चोरी करने की बात आएगी, जब बलात्कार करने की बात आएगी, तो शिया अलग करता है और सुन्नी अलग करता है और उसके बाद फिर और अलग करते हैं, लेकिन जब मेजॉरिटी दिखाने की बात आती है तो ये कहते हैं कि ये 20 करोड़ की आबादी है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो 80,480 है, एकड़ की बात कर रही हूं मैं, प्लॉट्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, एकड़ की बात कर रही हूँ। उत्तराखंड में 5,317 है, उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पास 1506 है, उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,99,701 एकड़ प्लॉट्स नहीं। तेलंगाना में 41,568, त्रिपुरा में 2,643, तमिलनाडु में 60,223, राजस्थान में 24,774, पंजाब में 58,608, महाराष्ट्र में 31,716,
मध्य प्रदेश में 31,342, केरला में 39,019, कर्नाटका में 58,578, जम्मू एंड कश्मीर में 32,506, गुजरात में 30,881, दिल्ली राजधानी में 1,047, दादरा और नागर हवेली में 32, छत्तीसगढ़ में 2,665, बिहार में 6,880, आंध्र प्रदेश में 10,708। यानी भारत की कोई स्टेट नहीं छोड़ी जहां पर इनका कब्जा ना हो, कोई एक स्टेट भी नहीं है, एक भी स्टेट नहीं। अब आते हैं हम कि हालिया में वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि तमिलनाडु का एक विलेज था जहां पर 95% हिंदूज रहते थे और 1500 साल पुरानी एक समेंथा चंद्रशेखरा स्वामी टेम्पल है। और क्योंकि साउथ इंडियंस जो होते हैं वो अपने मंदिरों से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। वक्फ बोर्ड उठा और अपना एक हरा हरा बोर्ड लगा दिया, हरे रंग से आप लोगों को भी बहुत मोहब्बत है, मुझे तो शदीद नफरत है। तो उठा और उठ करके हरा हरा बोर्ड लगाया और कहा यह पूरा गाँव वक्फ का है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने कैसे पूरे वक्फ बोर्ड को और जो उसका पूरा नेटवर्क है उसे एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।